बीजेपी के संकल्प पत्र पर स्वामी मौर्य ने हमला बोला है। स्वामी मौर्य ने कहा है कि ये हर चुनाव में भारी भरकम मैनिफेस्टो जारी करते हैं लेकिन वो जमीन पर नहीं उतरता है, इसे लेकर लोगों में गुस्सा है। पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगारी झेल रहा है। स्वामी मौर्य ने आगे कहा कि जो भी प्रत्याशी बीजेपी को हराएगा हम उसका समर्थन करेंगे चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना भारी भरकम मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, उस पर क्या पॉलिटिकल रिएक्शंस है ये जानने के लिए हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पास पहुंचे हैं। सर, मैनिफेस्टो आपने बीजेपी का देखा समझा और जिस तरीके से पीडीए पीडीएम की लड़ाई भी चल रही है, तमाम सारी बातें भी उसमें कही गई हैं, आपकी क्या राय है इनके मैनिफेस्टो को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहली बार नहीं, हर चुनाव में मैनिफेस्टो जारी करती है। आज चूंकि पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार है केंद्र में, अब तो इनका मैनिफेस्टो 10 साल का इनका कार्य होगा, 10 साल के कार्यों की उपलब्धियां इनके सामने हैं कि आज पूरे देश में पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। जब से भाजपा सरकार आई सरकारी नौकरियां गायब, ये तो पहले भी मैनिफेस्टो में कहे थे कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। नौकरियों के नाम पर आज नौजवानों केवल बेरोजगारी मिली है, नौकरी से तो कहीं उनका आमना सामना हुआ नहीं। यदि कभी कोई विज्ञापन आया भी तो परीक्षा ही नकल की भेंट चढ़ गई। आज जितनी परीक्षाएं हुई सब नकल के बलबेदीप चढ़ गई। जांच 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 और नौकरी के नाम पर जीरो।